हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा मेरे थंबनेल से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अगेन मैं एक मिंत्रा हॉल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो लास्ट वीडियो जो मेरा मिंत्रा का था, जिसमें मैंने मैक्सी ड्रेसेस एंड अपने कुछ कुर्ती प्लाजोज आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो वो वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा हिट गया था एंड उस पर मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिले थे, बहुत भर भर के कॉमेंट्स मिले थे। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप लोग सिर्फ उस लिंक पर जाके क्लिक कीजिएगा, वो मेरा वीडियो ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो में अगेन मैं मिंत्रा हॉल आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, बट इस वीडियो में क्या डिफरेंट है, इस वीडियो में मैं कोई कुर्ती प्लाजो कोई मैक्सी ड्रेसेस कुछ भी शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि दिस टाइम मैंने कुछ डिफरेंट वहाँ से ट्राई किया है। मैंने वहाँ से ट्राई किया है इस बार कुछ बॉटम्स के लिए, मतलब बॉटम वेयर में। तो वीडियो को बोरिंग ना बनाते हुए मैं डायरेक्टली आपको अपने क्लॉथिंग आइटम दिखाना स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। पहला जो है वो ये है, ये एक प्लाजो है एंड इसको आप पैंट भी बोल सकते हैं, पैंट प्लाजो जो नैरो स्टाइल में होते हैं, ये वाला है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए ऑर्डर करवाया था क्योंकि इसका जो मुझे वेस्ट का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव सा लग रहा था। वैसे ये बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। नीचे आप देखेंगे नैरो पैंट स्टाइल में जो प्लाजोज होते हैं ये वैसे हैं। क्रॉप टॉप या टी शर्ट्स के साथ काफ़ी अच्छे से जाएगा, ब्लैक कलर या ऑफ वाइट कलर का अगर आप इसके साथ पेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से जाएगा। एंड दूसरा, यहाँ पर बेल्ट के लिए ऐसे इन्होंने इस टाइप का ये कुछ कपड़े का ही बना के रखा है, तो ये है कुछ इस तरीके का। एंड जो इसकी वेस्ट लाइन है वो इस तरीके से पूरी रफल वाली, एक फ्रिल वाला जो डिज़ाइन होता है ना वो है, और पूरी तरीके से इसमें यहाँ इलास्टिक लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। एंड अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो इसका फैब्रिक जो है वो बिल्कुल पॉलिस्टर है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मशीन वॉश करो, हैंड वॉश करो, बिल्कुल भी फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन की वहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल लगी थी, काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी ब्रांड्स के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हुआ चल रहा था। तो इसका जो ब्रांड है वो पेनेट ब्रांड है। फर्स्ट परचेज मेरा ये है। तो सेकंड, एक्चुअली ना ये मैंने काफ़ी पहले ले रखा था, तो ये मैंने अभी तो नहीं खरीदा था, बट मैंने सोचा मैं इसी हॉल में आपको दिखाऊं, क्योंकि जिस प्राइस पे मैंने इसको तब खरीदा था इसका प्राइस अभी भी उतना ही हुआ हुआ था, अब तो शायद वापस से बढ़ गया होगा। तो ये है एक रफल स्कर्ट कम प्लाजो, मतलब आप इसको स्कर्ट भी बोल सकते हैं प्लाजो भी बोल सकते हैं, दोनों का फील आएगा पहनने के बाद। ये टू इन वन ड्रेस है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मतलब काफ़ी सही लगती है यार पहनने के बाद। पीछे जो है बैक साइड पे इसके इलास्टिक है एंड सामने बेल्ट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से जो है बना के दे रखा है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने ना इसको स्टिच किया था क्योंकि इसका वेस्ट थोड़ा सा लूज था, तो मैंने फिलहाल इसको टेम्परेरी जो है स्टिच कर लिया था यहाँ से। एंड अगर मैं इसका आपको पैटर्न दिखाऊँ तो इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का है, मतलब आपको रफल मिलेगी पूरी। एंड इसके अंदर जो है वो है ये, किधर गया, ये इसका प्लाजो, ये इसका प्लाजो है। एंड इसका प्लाजो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी ब्रॉड है, ऐसा नहीं बिल्कुल नैरो सा है, तो अंदर आपको प्लाजो मिलेगा। एंड ये ऊपर से जो स्कर्ट है वो बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है, मतलब पहनने के बाद काफ़ी सही लगती है, काफ़ी अच्छा एलिगेंट सा लुक आता है। इसके साथ जो है ब्लैक कलर का टॉप या क्रॉप टॉप अगर वेयर किया जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी इसके साथ ब्लैक टॉप ही वेयर किया है, वीडियो के लास्ट में जो मैंने क्लिप ऐड किया है मैंने तीनों ड्रेसेस आपको पहन के दिखाई हैं, तो दो ड्रेसेस हो गए। अच्छा हाँ, इसका मैं आपको ब्रांड बता देती हूँ, ये बिटर लाइम ब्रांड है। मिंत्रा पर आपको बिटर लाइम के काफ़ी देखने को मिल जाएंगे बॉटम वेयर में। जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो आई थिंक 1200 या फिर 1400 के अराउंड है, बट ये मुझे उस वक्त जब मैंने इसको परचेज किया था उस वक्त ये मुझे 900 रुपीज़ में मिल गई थी। तो आप चेकआउट कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको देखना। तो ये दो चीज़ें मैंने मिंत्रा से सिर्फ ऑर्डर की थी। एंड जो तीसरा है वो प्लाजो मैंने अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो मेरा बस मन किया कि मैं उसको अपने वीडियो में शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ये कुछ इस तरह का प्लाजो है, इसका प्राइस बहुत रीज़नेबल है, सिर्फ 200 रुपीज़ में ये मुझे मिल गया था मेरे लोकल मार्केट से। तो ये इस टाइप का इसका यहाँ पर बेल्ट है आगे पीछे, एंड ये जो है इसके अंदर ही इलास्टिक है, थोड़ा सा यहाँ से ट्रांसपेरेंट है बट पहनने के बाद इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। एंड अगेन यहाँ पर टाई करने के लिए ऐसे दे रखा है इन्होंने इसी कपड़े का बना के। इसका भी जो स्टफ़ है वो है हॉजरी जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एकदम, मतलब ये भी ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी, ऐसा ही रहेगा एज इट इज़। सिर्फ 200 में मुझे मिल गया था, तो मैंने सोचा अपने वीडियो में मैं ये भी शेयर कर दूं, बिकॉज इससे पहले अगर आपने मेरा एक और वीडियो देखा होगा सरोजनी नगर का, तो वहाँ से मैंने ऐसा ही एक प्लाजो लिया था, वो भी मुझे 200 का मिला था, बट वो ये वाला कलर था। ये भी बहुत अच्छा है बट इसका स्टफ़ थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा ये थिक था, तो ये आप
अगर आपको ये देखना है कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है, मैंने इस वीडियो में तो नहीं दिखाया क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, मेरे सरोजनी नगर हॉल की वीडियो, आई बटन पे आपको अगेन लिंक मिल जाएगा। देखो मैं अपनी वीडियो का भी प्रमोशन करते जा रही हूँ साइड बाय साइड। तो अगर आप लोगों को देखना है कि पहनने के बाद कैसा लगता है ये वाले कलर का प्लाजो, तो इसके लिए आपको मेरा सरोजनी नगर वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ये वाला प्लाजो कैसा लगेगा पहनने के बाद वो इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि मैंने जो भी ड्रेसेस आप लोगों के साथ शेयर की आप लोगों को पसंद आई होंगी एंड हेल्पफुल भी रही होंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ जाके एक बारी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। पिछला वीडियो मेरा मिंत्रा का था, उस वीडियो को इतना भर भर के प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब वो मेरा वीडियो इतना ज़्यादा मतलब पसंद आएगा लोगों को, मुझे पता नहीं था, मेरे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज आई एम न्यू हेयर। मुझे नहीं पता मतलब YouTube पे कौन सी वीडियो आपकी कब वायरल हो जाए, कौन सी वीडियो चल जाए, तो वो वीडियो मेरा बहुत पसंद आया था लोगों को। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को उतना ही पसंद आए जितना मेरा वो वीडियो आप लोगों ने पसंद किया था। सो यार, दिस वॉज माई टूडेज वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लगे कि भाई मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो आप लोगों को अच्छी भी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ, नहीं तो और लंबा होता चला जाएगा और मैं बोलते चले जाऊँगी। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। तो मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।